राम राम जी सर, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू एडमिशंस के बारे में। सो अभी आपके जो 12th के रिजल्ट है वो आपके आ चुके हैं, आपको पता होगा। उसके साथ साथ भाई जो आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो भी अब 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके भी एडमिशंस वो अभी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने वाले हैं। सो आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को एमडीयू कैंपस में एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एडमिशन हो किस प्रोसेस से होगा, एंट्रेंस होगा, मेरिट लगेगी और कितनी मेरिट लगेगी, कैसे एंट्रेंस की तैयारी करो, तो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में आखिर तक बने रहना, और जो भी चैनल पर नया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। आपका अगर कोई डाउट हो डायरेक्ट वहाँ से मैसेज करके भी हमसे कंसल्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं एमडीयू एडमिशंस के बारे में। तो एमडीयू आपको यूजी और पीजी दोनों कोर्स प्रोवाइड करवाती है, लेकिन भाई यूजी कोर्सेज यानी कि 12th के बाद जो आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं उनमें आपको कोर्स करवाए जाते हैं 5-year इंटीग्रेटेड, यानी कि भाई आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जोड़ के आपको 5 साल का पैकेज मिल जाता है, 5 साल तक आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो उसके लिए आपका कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, उनमें मोस्टली आपके ग्रेजुएशन में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करवाई जाती है, ठीक है, 5-year का कोर्स है, BLLB भी कर सकते हो आप, BTech वगैरह है, उसके साथ BCA का कोर्स भी करवाया जाता है, उसके बाद MBA 5-year है, और MSc मैथ्स भी आप कर सकते हो, ये कोर्सेज आपके हैं। बाकी आपका जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें अगर एक दो कोर्स और नया ऐड कर दिया जाएगा तो उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। सो उसके बाद जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, उनमें आपको क्या है कि उनके आपके टोटली सभी कोर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो आपको मिलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं है, बाकी सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग और एग्रीकल्चर को छोड़ के, तो बाकी सारे कोर्सेज वो आपको एमडी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो एडमिशन है वो किस टाइप से होते हैं, जो आपके पहले पिछले साल थे यानी कि 2022 का जो आपका सेशन था उसमें आपके क्या थे, जो यूजी के थे 2-3 कोर्सेज के आपके एंट्रेंस हुए थे, बाकी के आपके मेरिट बेस लगे थे, ठीक है, BLLB का एंट्रेंस हुआ था, बाकी आपके मेरिट बेस पे एडमिशन हो गए थे। लेकिन जो आपके पीजी कोर्सेज है उनके आपके टोटली के टोटली एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और एंट्रेंस बेस की जो मेरिट बनती है उसी के बेस पे आपका एडमिशन है वो करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि आपका एंट्रेंस जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, उसके कितने नंबर का होता है, उसकी तैयारी कैसी करें, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका एमडीयू कैंपस में ही करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन टाइप, MCQ आएंगे, उनमें से 1 क्वेश्चन आपको टिक करना होता है, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, जितने नंबर आएगा उसके बेस पे ही मेरिट बढ़ेगी। उसके बाद इसकी जो मेरिट है वो कितने तक जाती है, अगर किसी बच्चे के मतलब 50 यानी कि 50 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं उनका इजीली आपका दूसरी मेरिट लिस्ट तक आपका एडमिशन हो जाता है, 60 क्रॉस कर जाता है तो पहली मेरिट लिस्ट में कन्फर्म आपका एडमिशन है वो हो जाता है। मैक्स टू मैक्स आपके वो है कि 70 तक आपके मार्क्स है वो हाइएस्ट चले जाते हैं, और मिनिमम अगर किसी बच्चे का एडमिशन चाहिए तो वो 45-44 तक भी आपका एडमिशन है वो हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपका जो अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना तो आपको 11th-12th का सिलेबस पढ़ना होता है, उसमें से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पीजी का कोर्स करना, ठीक है, तो पीजी कोर्सेज में आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस आता है सारा का सारा, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको 2 ट्रिक देता हूं कि कहां से आप अपना जो सिलेबस है प्रिपेयर कर सकते हो। अभी देखो आपका जो 2023 का है वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, 2023 का सिलेबस अभी तक आया नहीं है, तो आपको 2022 का अगर सिलेबस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मैं जो आपका टॉप कमेंट है वहाँ पे दे दूंगा सिलेबस, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट एक लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है, वेबसाइट की, वहाँ पे आपको हर एक सिलेबस की PDF मिल जाएगी, तो PDF में जो जो टॉपिक है आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो, उनके वो प्रिपेयर कर सकते हो, उनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले, जैसे ही 2023 का प्रोस्पेक्टस आएगा उनके साथ अगर कोई नया टॉपिक ऐड होगा तो आप एक आधा टॉपिक वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मोस्टली ये है कि आपका सिमिलर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम चाहिए कि आपका पिछले साल किस टाइप से आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए थे, तो मैं वो भी आपका टॉप कमेंट में वो जो लिंक है उसमें आपको डाल दूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम की जो PDF है वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 12-13 PDF जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम्स की, बाकी मैं वहाँ पे क्लिक करके लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप अपने कोर्स वाइज कर सकते हो तैयारी, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एडमिशन से रिलेटेड, और मेन चीज़ की आपके एडमिशन है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपको पता लग जाएगा, आपको नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही था कि आपका सिलेबस बता दिया क्या कहाँ से आएगा, तैयारी कहाँ से करें, कितने नंबर तक आएगा। सो अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता था, आप बाहर से पर्सन हो, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ID पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, हम आपका एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।